आपने फरमाया, हजरत उबैर फरमाते हैं कि साबिकु बिल अमाली फितना, रेस विद योर डीड्स विद द फितना, काकित इलैल मुजरिम, कि वो अंधेरी रात की तरह आएंगे, युस्बिहु रजुल मुमिना व युमसी काफिरा, व युमसी मुमिना व युस्बिह काफिरा, कि इंसान सुबह होगा तो मोमिन होगा, रात तो काफिर होगा, रात मोमिन होगा सुबह काफिर होगा। और कितने लोग हैं जो कि अपनी नेशनलिटी के लिए साइन कर दें कि हमने दीन को छोड़ दिया, हमें कनाडा में रहना चाहिए, हमें अमेरिका में रहने दो, हम इस्लाम को छोड़ते हैं। मैं एक शख्स जानता हूँ, यानी वो मुझे वाकई बता रहे थे कि जिसमें उन्होंने कहा कि उनके कोई डिपोर्ट करने का प्लान बन गया, क्योंकि इनसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई थी, तो उनके वापस जाएं आप। तो किसी ने मशवरा दिया कि बासुन ये वाला रिलीजन अपना ले, तुझे नेशनलिटी मिल जाएगी और कैनेडियन सपोर्ट दिस रिलीजन जो गवर्नमेंट है। अच्छा, तो उसने साइन कर दिया विदाउट थिंकिंग ऑफ अ सेकंड, फौरन साइन किया और उसको नेशनलिटी मिल गई। एंड दे मेक श्योर यू प्रैक्टिस दैट रिलीजन, आपको इबादत गाहों में और आके नमाज पढ़नी पड़ती है, और जो भी उनका एक एक डिविएंट सेक्ट है वो, तो सुभान अल्लाह सेकंड ही लगाया उन्होंने। अच्छा, इस तरह की अजीब अजीब चीजें आपने फरमाया कि टाइम आएगा कि जिसमें तुम्हारा दीन पे चलना इतना होगा मुश्किल जितना तुम कोयले को पकड़ने के बराबर होगा। तो सुभान अल्लाह भरे भी हैं, प्रेविलेंस ऑफ सैटेलाइट चैनल्स, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मैं जो आज तफसीर सेशन में भी ना वो जो हम आयत पढ़े थे, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय ज़म्बिन क़ुतिलत, कि जो फीमेल इन्फेंट चाइल्ड है उसको उस सवाल किया जाएगा कि तुझे किस चीज पर कत्ल, बिअय ज़म्बिन क़ुतिलत, किस गुनाह की बिना पर तुझे कत्ल किया गया। अब देखें, ये था लड़कियों को मारने वाला, तो अभी जो आप ईमान की बात कर रहे हैं कि सुबह उठेगा मोमिन होगा रात में काफिर होगा, हम लोग अपने आज बेटों को भी कत्ल कर रहे हैं। पता कैसे कत्ल कर रहे हैं? उनका एक होती है फिजिकल डेथ, एक होती है स्पिरिचुअल डेथ। हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि हम लोगों ने दुनिया के पीछे ना हमने अपने दीन को कुर्बान करना शुरू कर दिया, स्पिरिचुअली डेड कर दिया। यानी आप ये देखें कि कोई बच्चा, अगर हम देखते हैं कि जी बच्चे का स्कूल कैसा है, अगर आपको पता चले कि जी वो फॉर एग्जांपल किसी और फेथ का स्कूल है और वहाँ पे बहुत अल्ट्रा लिबरल किस्म के लोग आते हैं, बहुत एथियस्टिक बच्चे भी आते हैं, आप कहते हो डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज मेरा बच्चा जो है ना वो दुनियादारी हो जाएगा, ये अच्छा स्कूल है, ये अच्छा स्कूल है। क्योंकि अगर वो, मतलब हम लोगों ने दुनिया को प्रायोरिटी बनाया हुआ है और बच्चे की चाहे वहां पे स्पिरिचुअल डेथ हो जाए, चाहे वो मुलिद बन के वहां से बाहर निकले, वो हमें कंसर्न नहीं है। हम कहते हैं हमारा बच्चा मॉडर्न हो जाए, बस अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ ले, अच्छे जो अल्फाज दो चार बोल ले, चार बंदों में बैठ ले, बस ये हमारे लिए काफी है। तो असल में ना एक बड़ा अजीब मामला है, और ये जो बात है बिल्कुल हदीस में जैसे आती है कि एक बंदा सुबह को उठेगा मोमिन होगा रात में काफिर होगा। हम खुद देखते हैं, बंदा सुबह उठता है फजर की नमाज पढ़ता है, रात को सोता है इंतहाई कोई कुफिया काम करके बिस्तर में लेकर सो जाता है, सुबह उठता है तो फिर गंदा काम करता है, रात को ईशा की नमाज पढ़ के सो जाता है। एक हदीस है हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं कि soon evil will pour down on you from the sky until it reaches al fayafi. सब मुझे रसूलल्लाह, what is al fayafi? आपने फरमाया कि the wilderness. अब wilderness तक जो evil पहुंच रहा है, यानी satellite channels के through, 3G के through, 4G के through, जो गांव में लोग जिन्होंने आज तक filth नहीं देखी थी, वो 4G और 5G से TikTok पे और कौन कौन सी filth website पे देख रहे हैं। सही कह रहे हैं। आपने फरमाया वहां तक पहुंच जाएगा। और समा जो अरब में यूज करते हैं ना, समा वो आसमान का नहीं, हर चीज जो ऊपर से आती है, एंड यू सी जो इंटरनेट है, सैटेलाइट चैनल्स हैं, सब ऊपर से आते हैं। अच्छा, एक और हदीस के फॉलोइंग द वेज ऑफ नेशंस हु केम बिफोर, यानी जूस एंड क्रिश्चियंस, आपने कहा ना कि हम हर चीज उनको फॉलो करते हैं कि वही हमारे एक तरह से, बस किसी तरह से हमने उनको फॉलो करना है। आपने फरमाया कि तुम क़यामत का दिन नहीं आएगा जब तक मेरी उम्मत उन लोगों को फॉलो नहीं करेगी, हैंड बाय हैंड एंड क्यूबिट बाय क्यूबिट। आपने पाया साहबा ने कहा या रसूल कौन, यूज़ इन क्रिश्चियंस, उन्होंने कहा हु एल्स, और अच्छा उनको फॉलो करते करते हम कहां तक पहुंचे, ये एक हदीस, अपीयरेंस ऑफ वुमेन हु आर क्लोथ्ड येट नेकेड। बिल्कुल, आपने फरमाया अभी सुभान अल्लाह देखें जरा, सेंटोरस चले जाएं, डिफरेंट मॉल्स चले जाएं, आपने फरमाया सिनफानी मिन अहले النار, सिनफानी मिन अहले النار लम अराहुमा, दो लोग, दो कैटेगरीज जहन्नमी में से हैं जिनको मैंने आज तक नहीं देखा। एक वो लोग, एक वो मर्द जो कि विप्स, हाँ, यानी काओ की जो टेल होती है उसकी चीज से लोगों को मार रहे होंगे, और एक वो औरतें कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलातुन, जो कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं लेकिन नहीं पहने हुए। यार दिस इज सो इम्पोर्टेंट, और इतनी क्लियर कट है कि बंदा आंखें बंद करे, कान बंद करे, इससे नहीं मुंह छुपा सकता। इतनी माइलातुन मुमिलातुन, माइल करने वाले, माइल होने वाली। मुझे कुछ दिन पहले से मैसेजेस आ रहे हैं एक खातून की जो कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी की, आई थिंक प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी की वो है, इतनी
व्हाट्सएप पे मैंने कहा सिस्टर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके ठीक है सर, लेकिन सर ये मतलब इतना माइल कर रही है अपने आप को और सब कुछ, सर प्लीज आपने दो मिनट दे दें हम बात, अभी देखिए ना आप रिसेप्शनिस्ट कौन होती है खातून को रखा हुआ, क्यों, क्योंकि वो आपको अपनी तरफ माइल करती है और माइल होती है। आप जहां देख लें सुभान अल्लाह औरतों को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए रखा जा रहा है और हमारी बहनें भी अनफॉर्चुनेटली समझ रही हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट है, हालांकि आपको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, आपके जरिए आपकी आवाज और आपके चेहरे के जरिए अपना प्लॉट बेचा जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आई, आपको दीन को समझ नहीं। अच्छा देखें ये जो हदीस में आता है ना कि एक खातून है जिसने कपड़े तो पहने लेकिन नेकेड है, आप सोचें कि सहाबा के दौर में इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, ये कैसे हो सकता है कि किसी ने कपड़े पहने लेकिन वो नंगा है। आज हमें पता है, देखिए सबसे पहले ऐसे कपड़े जो कि सी थ्रू मटेरियल के होते हैं, कपड़े तो पहने हुए लेकिन जिस्म पूरा नजर आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, वो कपड़े जो इतने फिटेड होते हैं जिस तरह स्पैंडेक्स होता है या इस तरह की टाइट्स होती हैं, कि कपड़े तो आपने पहने हुए लेकिन आपका कपड़े का जो काम था कि जिस्म को छुपाना, छुप कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ नजर आ रहा है। और फिर इसी तरह से जो कपड़े मुख्तसर हो जाना कि कपड़े हैं लेकिन तकल्लुफन पहने हुए हैं, यानी कि बेरली वो कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह कोई बीच पे चला गया कुछ, जिस तरह से हार्डली कुछ कवर हो रहा है। तो लोग ऐसे हैं, तीन तो मैंने आपको स्ट्रेट वे कैटेगरीज बता दी हैं उनकी, जिन्होंने लिबास पहने हुए हैं लेकिन लिबास इससे ना भी पहनते तो फर्क ना पड़ता, क्योंकि जिम वियर है जी बिल्कुल, और जिम्स में जिस तरह से क्लोथिंग खासतौर पर खवातीन कर रही है, खासतौर पर मर्दों की मौजूदगी में वो सब चल रहा है, All visible in front of us. और ये वही बात है कि जब हम इंसान को ऐसी चीजें नजर आती है ना, तो फिर इंसान ये सोचता है कि we are moving towards the end of times, क्योंकि आप सल्लम की जो हदीस हैं वो हमारे सामने बिल्कुल वाज़ह होती चली जा रही है। दूसरी बहुत हैरानगुन बात ये भी है इसके साथ साथ जो अल्लाह के नबी सल्लम ने जिक्र किया, एक तो ये किया ना कि वुमेन को करप्ट किया जाएगा बहुत ज्यादा, ये भी है कि होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म जो है ये बहुत ज्यादा होगा, तो उस जमाने में तो सोच नहीं सकते बल्कि थे। आप सोचें कि फहाशी जो है उसके बारे में आता है कि इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोग जो है ना वो सड़कों पर काम शुरू कर देंगे, और तो हाँ, और सब में जो बेहतरीन होगा वो कहेगा कि भाई तुम जाके किसी कोने में साइड पे हो जाओ। और आपको पता है आज से कुछ दो तीन साल पहले की बात है कि मैं बल्कि नहीं दो तीन साल नहीं चार पांच साल हो गए, इंग्लैंड में एक कपल था जो सड़क के ऊपर ये कर रहा था, और लिटरली जो शॉप एक सुबह के टाइम 8:30 बजे हो रहा था, तो एक माँ जो थी ना अपने बच्चे को स्कूल लेके जा रही थी, उसने उनको उनको देख लिया और उसने जाके कंप्लेन किया कि भाई ये सड़क पे हो रहा है, इनको कह के गेट अ रूम। और मैंने कहा सुभान अल्लाह ये तो वही हदीस है, पाकिस्तान में यहाँ पे हो रहा है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो गाड़ियों में और आगे पीछे रोड पे जो अक्सर आए रोज क्लिप्स वगैरह आए रहते हैं, exactly. बड़ी अजीब बात है, इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। सुभान अल्लाह ये इतनी लंबी लिस्ट है ना, बंदा दिल चाह रहा है कि हर एक ही चीज पे बात की जाए लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन सुभान अल्लाह आप देखें कि अल्लाह ने फरमाया कि फजल बारी की रिपोर्ट है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ यू नो वुमेन एंड फ्यू मेन, आपने फरमाया कि द आर विल नॉट बिगिन Until knowledge is taken away, सुभानअल्लाह उलमा की डेथ देखें आप, डेथ ऑफ स्कॉलर्स कोविड में कितने ज्यादा उलमा की डेथ हुई, और रिसेंटली जो बड़े बड़े जाइंट्स गए हैं यानी इब्न बाज रहमहुल्लाह, शेख उसमैन और शेख अल्बानी रहमहुल्लाह, इन तीनों की विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स कट्ठे उठा ली गए हैं, और पाकिस्तान में जाइंट्स कुछ अरसे पहले शेख सलाउद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह और कितने लोग गए हैं। तो ये अच्छा, फिर इग्नोरेंस प्रिवेल्स, नए नए यूट्यूबर्स आके दीन कभी तो ना अपने बारे में डर लगता है यार, आप हमें बचाना और हमें सही इल्म के रास्ते पे चलाना कि हम कहीं गुमराह तो ना करें लोगों को, इंसान को अपने बारे में डरना चाहिए। अल्कोहल इज ड्रंक, जिना बिकम्स वाइड स्प्रेड, और आप देखें आज